your biology teacher. Today I will start 11th class में आज हम plant kingdom को ये study कर रहे थे काफी time से और आज ही आपकी last class रहेगी. इस पर हम angiosperm study करेंगे. Chapter 3 में plant kingdom में आज हम angiosperms एंजियोस्पर्म को स्टडी करेंगे. ये पार्ट आपका 10th पार्ट है और एंजियोस्पर्म को आज हम देखेंगे. तो आपने वैरायटी ऑफ हैबिटेट जो एंजियोस्पर्म्स है आपको सब जगह देखने को मिलते हैं और इनकी स्पेशलिटी क्या है, ब्यूटीफुल फ्लावर आपको देखने को मिलते हैं. नेचर सभी को पसंद होते हैं फ्लावर्स, तो आप कहीं भी देखिए चाहिए. और एंजियोस्पर्म बहुत ही खूबसूरती से पूरे ऑल वर्ल्ड में फैले हुए हैं और बहुत सारे हैबिटेट में आपको ये इजीली देखने को मिल जाएंगे. फ्लावर फूड बियरिंग फ्लावर हैं और ऑलमोस्ट हमारे लैंड पे सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं वो एंजियोस्पर्म्स ही हैं. और सबसे छोटा एंजियोस्पर्म जिसमें फ्लावर भी आ रहा है फूड भी होता है कुल्फिया, ठीक है. उसको क्या आप अपनी फिंगर पे रखोगे ना तो आ जाएगा, इतना स्मॉलेस्ट होता है. और वैसे तो वो दिखाई नहीं देगा, बहुत छोटा होगा, बट जब उसमें फ्लावरिंग की कंडीशन होती है तब उसका फ्लावर बड़ा लगता है. बट वो प्लांट कैसा है, प्लांट बहुत छोटा होता है. तो और यहाँ पे वैरायटी ऑफ हैबिटेट में मिलेगा, टॉलेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे. एनजीओ अगर हम जो एंजियोस्पर्म है टू वर्ड से मिलकर बनाए, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स बनाता, उसमें भी जिम्नोस मीन स्नैक और स्पर्मा मीन सीड. तो यहाँ पे देखिए स्पर्मा से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, सीड. और यहाँ पे एनजियोस का मतलब क्या है, एनजियो, एनजियो मीन्स कवरिंग. और वहाँ पे क्या था, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस मीन्स नेट और एनजियोस मीन्स कवरिंग. तो जो इसमें यहाँ पे सीड्स प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर क्या होती है, ओवरी वॉल की एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, प्रॉपर कवर्ड रहते हैं उनके सीड. तो ईजिली ट्रांसफ़र एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ईजिली ट्रांसफ़र हो जाते हैं. जैसे कि आपने हमारे इंडिया में ही काफ़ी सारी वेराइटीज़ देखी होंगी मैंगोज़ की, कुछ शॉर्ट्स होते हैं, कुछ लॉन्ग होते हैं, कुछ काफ़ी टेस्टी होते हैं और अलग अलग टाइप की वेराइटी की मैंगोज़ मिलते हैं. तो एक मैंगो आता है फ्रांस एल्फांसिको, एल्फांसिको एक वेराइटी है मैंगो की जो हमारे इंडिया में पहले नहीं आता था, ठीक है. तो जो फ्रांसीसी लोग तो इंग्लिश जो थे ना ब्रिटिशर्स, वहाँ पे ये मैंगो मिलता था. तो ब्रिटिशर्स वगैरह हमारे, आपने पढ़ा हुआ हिस्ट्री में सुना ही होगा पहले कि हमारे इंडिया पे इन लोगों ने मतलब कब्जा कर रखा था काफ़ी टाइम तक. हमारे इंडिया पे उन्होंने रूल किया बहुत सालों से, करीब 100-150 मतलब 1000 साल, अप्रॉक्स 200 साल तक उन्होंने रूल किया था. 1600 से आए थे, हाँ ऑलमोस्ट मुझे इतना मतलब हिस्ट्री में इतना हो रही है, बट हाँ 1600 में फर्स्ट टाइम जब वो आए थे तो अपने साथ मैंगोज़ वगैरह की काफ़ी सारी वेराइटी लेकर आए. तो यहाँ पर आए तो यहाँ पर उन्होंने उसको कल्टीवेट किया, तो वही मैंगोज़ की वेराइटी आज आपको देखने को मिलती है. तो आप ये देखिए कि इतना एडेप्टेशन है इनमें, क्योंकि इनकी सीड के ऊपर क्या है, कवरिंग प्रेजेंट है. कि आप इनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक अगर आप ले जाइए तो ये इजीली ग्रो कर सकते हैं. तो इन एंजियोस्पर्म की खासियत क्या है, इनके ऊपर सीड पे क्या मिलती है, कवरिंग मिलती है और बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर फ्रूट्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे. और यहाँ पे जो पूरी प्लांट बॉडी की अब हम बारे में बात करते हैं, जो प्लांट बॉडी में पूरी स्पोरोफाइट जनरेशन करती है, गैमेटोफाइट जनरेशन, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स में भी कुछ सेल्स के लिए आती है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए. और यहाँ भी जो ये स्पोरोफाइटिन की जनरेशन होती है बहुत शॉर्ट लिव्ड रहती है, सॉरी गैमेटोफाइट जनरेशन इनकी शॉर्ट लिव्ड रहती है, स्पोरोफाइट जनरेशन ही पूरा प्लांट रहता है. तो अगर हम देखते हैं किस तरह से इनकी प्लांट बॉडी रहती है, यहाँ पे जो सेक्चुअल ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम एंथ्रीडिया आर्चिगोरिया से बोलते आ रहे थे, तो अगर मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन को यहाँ पे हम बोलेंगे एंथर. और
फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम यहाँ पे बोलेंगे टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर ये दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है तो दिस इज मोनोशियस, और अगर डिफरेंट फ्लावर में प्रेजेंट है तो वही डायोशियस कंडीशन। जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स में भी मोनोशियस प्लांट होते थे और डायोशियस प्लांट थे, तो यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन है वो कहाँ मिलेंगे आपको, फ्लावर में देखने को मिलेंगे। आपने बहुत कॉमन एग्जाम्पल चाइना रोज देखा होगा अपने आसपास का भी, जिसको हम जनरली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, गुड़हल, हिबिस्कस रोज़ा साइलेंसिस। तो हिबिस्कस को हम चाइना रोज भी बोलते हैं, और इसका जब हम बोटेनिकल नेम देखते हैं तो होता है आपका हिबिस्कस रोज़ा साइलेंसिस। तो हिबिस्कस में 5 पेटल्स होती हैं, आपने देखा होगा ब्यूटीफुल फ्लावर होता है रेड कलर का, तो कुछ इस तरह से फ्लावर होता है वो। कैसी है इसकी 5 पेटल्स होती हैं हिबिस्कस में, और इसी फ्लावर के यही इस तरह से आपने कुछ शेप निकलती हुई देखी होगी। यहाँ पे काफी सारे क्या होते हैं कुछ इस तरह से नॉक प्रेजेंट होगी, और यहाँ पे काफी सारे छोटे 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 आपने येलोइश कलर का देखा होगा। तो देखिए ये तो इसका क्या है, फीमेल पार्ट, और ये क्या है इसका मेल पार्ट। ठीक है, जो मेल पार्ट दिस इज एंथर और फीमेल पार्ट इज पिस्टल, एक ही फ्लावर में मिल रहे हैं। अगर एक ही फ्लावर में मिलेंगे तो ये फ्लावर कैसा होगा आपका, मोनोशियस। ये कैसा होगा आपका, मोनोशियस फ्लावर। और अगर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग प्लांट पे मिलेंगे, अलग अलग फ्लावर पे मिलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे डायोशियस कंडीशन। तो देखिए इसमें क्या होता है, ब्यूटीफुल फ्लावर आपको देखने को मिलते हैं, और काफ़ी मतलब कहीं भी ये ग्रो कर जाता है। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट इसका प्लांट है वो क्या है आपका, वुल्फिया। सबसे ज़्यादा जो स्मॉलेस्ट है वो है आपका ये स्मॉलेस्ट है वुल्फिया, और जो टॉलेस्ट है वो है आपका यूकेलिप्टस। अप्रॉक्स 100 मीटर तक ये जाता है, इतनी हाइट है आती। वैसे तो टॉलेस्ट ट्री में हम देखें तो सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट आपको जिम्नोस्पर्म्स में ही दिखते हैं, बहुत हाइट तक वो जाते हैं। और सबसे जो टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, मैंने आपको जिम्नोस्पर्म्स की क्लास जब हमने ली थी, प्रीवियस क्लास ली थी, उसमें बताया था कि सबसे टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म्स आपका कौन सा है, रेडवुड ट्री, जिसको बोलते हैं सिकुइया। और जो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म्स है वो है आपका यूकेलिप्टस। तो यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया, एक डाइकॉट और दूसरा मोनोकॉट। तो जो एंजियोस्पर्म्स हैं इनको 2 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ, फर्स्ट वन इज डाइकॉट और सेकेंड वन इज मोनोकॉट। डाइकॉट आपको नाम से ही प्रेजेंट है, मतलब 2, डाई मीन्स 2, कॉट में कॉटिलीडन्स, मतलब इनका अगर ये सीड है, ठीक है, सीड पे अगर 2 कॉटिलीडन्स प्रेजेंट है तो इस सीड को बोलेंगे हम डाइकॉट सीड, और अगर 1 कॉटिलीडन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम मोनोकॉट सीड। तो इनकी सीड कॉटिलीडन के बेसिस पे ही इनमें 2 क्लासेस आई, डाइकॉट और मोनोकॉट। तो जो डाइकॉट है उनमें 2 कॉटिलीडन प्रेजेंट है, मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलीडन प्रेजेंट है। और आजकल जो मोनोकॉटिलीडन्स हैं वो इवोल्यूशनरी हम देखते हैं एल्गी से लेके मोनोकॉट तक, तो मोनोकॉट इज अ मोस्ट एडवांस कैटेगरी है। तो मोनोकॉट सबसे ज़्यादा एडवांस कैटेगरी होता है। तो डाइकॉट में काफ़ी सारे प्लांट्स आते हैं, आप देखिए आपने आसपास अपने बनियन ट्री देखा होगा, मैंगो ट्री देखा होगा, नीम का ट्री होगा, अजाड़ी रखा, इंडिका, और मोनोकॉट जो क्योंकि हर घर में आता है, जिसको बोलते हैं फ्लोर, जो वीड होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, वो किस में आता है आपके, मोनोकॉट में। तो इस तरह से इसको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो देखिए इसमें क्या होता है, मेल
पूरा ही प्लांट क्या होता है, स्पोरोफाइट जनरेशन रहती है और गैमेटोफाइट जनरेशन बहुत कम टाइम के लिए आती है। पूरा ही 12 कंडीशन में रहती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। यहाँ पे क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन को मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं, स्टेमेन, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को पिस्टल। तो देखिए कुछ इस तरह से हम इसको स्टडी करेंगे मेल सेक्स ऑर्गन से। देख स्टडी कर दें
तो ये हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। इसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट ये क्या है, एक टिपिकल ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है। ये इस ओव्यूल में आपको ऊपर की तरफ जो सेल्स होती है उनको बोलते हैं हम थ्री एंटीपोडल सेल प्रेजेंट है। दिस इज एंटीपोडल सेल, नीचे वाले को बोलते हैं सिनर्जेट्स, ये एग सेल और ये टू पोलर न्यूक्लियस। एक बहुत ज्यादा क्लासिकल फिनोमेना होता है एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन का। अभी हम देखते हैं, आप इस डायग्राम को नोट करिए कि किस तरह से ओव्यूल का डायग्राम होता है, और अगर एग्जाम वगैरह में ओव्यूल का डायग्राम आपको पूछने को मिलता है इस सेवन सेल कंडीशन में होता है। ये भी जो अपर साइड होती है थ्री एंटीपोडल सेल, टू सिनर्जिस्ट, टू पोलर न्यूक्लियाई, वन एग सेल, ठीक है। ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। अब देखिए इनमें फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, इंटरनल ही होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन होते हैं ये। तो देखिए किस तरह से इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। ये आपकी स्टिग्मा है, स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी एंड दिस इज ओव्यूल, ठीक है। अब इस स्टिग्मा पे क्या आएगा, पॉलन ग्रेन, ये क्या आया, पॉलन ग्रेन थ्रू द प्रोसेस पॉलिनेशन। इस पॉलिनेशन के थ्रू ये पॉलन ग्रेन कहाँ आया, स्टिग्मा पे। तो जो पॉलन ग्रेन होता है इसके अंदर थ्री सेल स्टेज पे अलग हुआ था अपने मेल पार्ट से, तो यहाँ पे क्या होगी, एक एग सेल होगी और एक ट्यूब सेल होगी और एक जनरेटिव सेल। तो जो ट्यूब सेल होगी ये यहाँ से होती हुई देखिए इसके पास यहाँ से जाएंगी और यहाँ से ओव्यूल में एंट्री लेना ही स्टार्ट करेगी, ठीक है। और फिर जनरेटिव सेल अंदर जाके इसमें क्या करेगी, फ्यूज करेगी। तो यहाँ पे पॉलन के अंदर कौन सी थी, टू सेल्स होती है, एक होती है ट्यूब सेल और एक होती है जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ट्यूब सेल होती है और टू यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, टू जनरेटिव सेल यहाँ पे आ गई। अब देखिए इसमें अगर एक जनरेटिव सेल फ्यूज की किससे, एग से, ये देखिए एंटीपोडल सेल सिनर्जिड, दिस इज एंटीपोडल सेल, दिस इज एग सेल, एग सेल और ये क्या है, टू पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई। अगर एक जनरेटिव सेल एग सेल से फ्यूज करती है, एक सेल से, तो बनाएगी ये जायगोट, ठीक है। अगर एक दूसरी वाली जनरेटिव सेल फ्यूज करती है टू पोलर न्यूक्लियाई से तो बनाएगी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दिस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आपने देखा दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, तो इसी प्रोसेस को पूरे को बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। ये यूनिक
इवेंट है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इस पूरे प्रोसेस को ही बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। अगर एक बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है एक जनरेटिव सेल का, एक एग सेल से, तो बन रहा है हमारा जायगोट। फिर तो अगर दूसरी जनरेटिव सेल टू पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर रही है तो वो बना रही है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जायगोट से ही फर्दर डिवीजन होगा पूरे प्लांट का, बट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से जायगोट में क्या होगा, वही ओवरी ओव्यूल वगैरह पूरे प्लांट बना लेगा। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जिसको हमने बोला है पेन, वहाँ ये सिर्फ क्या करता है, ये कोई प्लांट डेवलप नहीं करता, बट जायगोट के लिए क्या प्रोवाइड कराता है, फूड प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ इसका रोल आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का बनना कि वो जायगोट को क्या कराए, फूड प्रोड्यूस कराता है। तो देखिए यहाँ पे आपको जायगोट बनेगा प्रॉपर, और जायगोट कहाँ बनेगा, ओव्यूल के अंदर। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है प्रोवाइड कराएगा फूड जायगोट को, जिससे कि जायगोट अच्छी तरह से फुली डेवलप करें। इस पूरे प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए जायगोट डेवलप करेगा, किसमें डेवलप करा है इसने, एम्ब्रियो में। और जायगोट ने डेवलप किया एम्ब्रियो में, अगर एक कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा तो मोनोकॉट हो जाएगा वो प्लांट, और अगर इसमें टू कॉटिलेडन प्रेजेंट होंगे तो ये डाइकॉट कंडीशन होगी। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो उसने जायगोट के लिए फूड प्रोवाइड करा रहा है। और सिनर्जिड और जो एंटीकॉडल सेल होते हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं। और यहाँ पे मैंने बता दिया था जो ओव्यूल डेवलप करता है सीड को, और जो ओवरी होती है वो बदल जाती है फूल। तो आपने देखा जाय ये ओवरी थी, ओवरी में देखिए मैं आपको दोबारा ही क्लियर कर देती हूँ, टू पोलर न्यूक्लियस एग सेल एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज हुई, क्या बनाया है इसने जायगोट, इसने क्या बनाया एंडोस्पर्म जायगोट से ही। और ये एंटीकोडल सेल और सिनर्जिड ये क्या कर जाएंगी, डीजनरेट कर जाएंगी, ओव्यूल बनाएगा सीड को और ओवरी बनाएगी फ्रूट को। इस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे आपको एक यूनिक फीचर देखने को मिला। और इस तरह से आपका ये एंजियोस्पर्म वाला जो टॉपिक था ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, और इसमें बस एक थोड़ा एक पोर्शन और रिमेनिंग है कि इसमें जनरेशंस कैसे रहती हैं, कि कौन कौन सी जनरेशन कब आती है, तो वो भी हम देखिए अभी इसको फिनिश कर देते हैं इससे कि हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी कर पाएँ। तो आपका ये एंजियोस्पर्म ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। अब हमने देखा होगा कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आ रही थी यहाँ पे, कि किसी में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बन रही थी, किसी में हैप्लॉन्टिक हो रही थी, और किसी में हैप्लो डिप्लॉन्टिक दोनों टाइप की। तो देखिए हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक और हैप्लो डिप्लॉन्टिक, हैप्लो डिप्लॉन्टिक बोलिए या इसको डिप्लो हैप्लॉन्टिक, डिप्लोएंटिक डिप्लो हैप्लॉन्टिक बोल सकते हैं, हैप्लो डिप्लॉन्टिक कुछ भी बोल सकते हैं। इस तरह से अगर देखिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो वहाँ पे जो गैमेटोफाइट जनरेशन है, गैमेटोफाइट जनरेशन क्या रहेगी, मतलब इसका जो टाइम पीरियड है गैमेटोफाइट जनरेशन का ये लॉन्ग टाइम के लिए रहती है, डोमिनेंट रहती है, यहाँ पे कैसी होती है डोमिनेंट। डिप्लॉन्टिक में कौन सी होती है, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट डोमिनेंट रहती है यहाँ। और यहाँ पे बोथ
चाहे आप गैमेटोफाइट ले लीजिए, चाहे आप स्पोरोफाइट ले लीजिए, चाहे गैमेटोफाइट लीजिए स्पोरोफाइट लीजिए, दोनों ही डोमिनेंट है और कैसी होती है, फ्री लिविंग। फ्री लिविंग और कैसी होंगी आपकी, डोमिनेंट। तो आपको जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी वो आपको एल्गीज वगैरह में, जब हमने स्टडी कर रहे थे तो एल्गी में गैमेटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट थी, स्पोरोफाइट जनरेशन बहुत ही कम टाइम के लिए आती है, तो वहाँ पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको कहाँ मिलेगी, एल्गी में देखने को। ये कहाँ आपको देखने को मिलेगी, ये मिलेगी आपको एल्गी में। डिप्लॉन्टिक आपको मिलेगी जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में। और ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट में आपको हैप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलिए, डिप्लोहैप्लॉन्टिक कुछ भी बोल सकते हैं, वहाँ आपको देखने को मिलेगी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जहाँ पे गैमेटोफाइट जनरेशन और स्पोरोफाइट जनरेशन दोनों ही डोमिनेंट रहती हैं, टाइम चेंज हो सकता है, दोनों ही फ्री लिविंग रहती है, दोनों एक दूसरे से डिपेंड नहीं करती। तो इस तरह से ये आपका प्लांट किंगडम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है और अब हम नेक्स्ट क्लास में एनिमल किंगडम को स्टडी करेंगे। ये आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। थैंक यू।